हाई एवरी वन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप ये आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ कंफर्ट में और आज हम डिस्कस करेंगे एम एन रॉय का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रेडिकल ह्यूमनिज्म इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो so आज हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म के कन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसे सिंपलेस्ट वे पे एक्सप्लेन करूं जिससे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े और इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाएगी तो वेरियस कॉम्पोनेंट की हेल्प से आप इस पर आंसर लिख पाएंगे कटी गेट और इन केस इस अगर इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप उन्हें भी एड्रेस कर पाएंगे सो so, वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज अगर आपको मेरे कंटेंट वर्थफुल लगता है और आपको इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज गाइज अगर आप वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड प्लीज़ कॉमेंट में बिलो कि कैसा लगता है आज डिस्कशन uh, जो है आपको और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं ओके सो रेडिकल ह्यूमेनिज़म ऑफ एम एन रॉय की बात की जाए अगर सो so, हाँ मैंने एक डेफिनेशन ली है यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसमें डिफाइन किया गया है ह्यूमेनिज़म को पहले सो so, जब आप ह्यूमेनिज़म की मीनिंग समझेंगे तभी आप रेडिकल ह्यूमेनिज़म की मीनिंग समझ पाएंगे जो एम एन रॉय के द्वारा दी गई है ओके सो ह्यूमेनिज़म इज़ डिफाइंड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज अ आउटलेक और सिस्टम ऑफ थाट दैट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन सो सेंटर में कौन रहता है ह्यूमन बींग को सेंटर पर रखा जाता है सो ह्यूमन बींग के कंसर्नस राइट प्रॉब्लम्स क्या हैं या, या 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 जो अदर थिंग्स हैं ह्यूमन बींग से रिलेटेड उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है सो so, ह्यूमैनिज्म क्या है एक तरीके का फिलोसफी है या आउटलुक है या सिस्टम ऑफ थॉट है जिसका मेन कंसर्न किसके किससे रिलेटेड है ह्यूमन के साथ में रेदर देन द डिवाइन और सुपर नेचुरल मैटर्स जहाँ पर हम गॉड की बात करें या या यूनिवर्स की बात करें या या अदर जो सुपरा नैचुरल पावर्स हैं उनकी बात करें सो so, उनके कंपेरिजन में यहाँ पर फोकस कहाँ पर रहता है ह्यूमन बींग्स पर गेटिंग इट

रेडिकल इसमें ऐड करने का मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग को ट्रू सेंस में या उसके ओरिजिनल नेचर ओरिजिनल पोजीशन में समझ रहे हो एक्सप्लेन कर रहे हो ओके okay? तो थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले फ्रीडम को क्योंकि रेडिकल ह्यूमनिज़म जो एम एन रॉय की फिलॉसफी है इसे फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम कहा गया है ओके सो फ्रीडम ऑफ मीन वर्ट तो यहाँ पर एम एन रॉय का फ्रीडम से क्या मतलब है राइट right? अगर रेडिकल ह्यूमनिज़म फिलोसफी ऑफ फ्रीडम है तो यहाँ पे फ्रीडम की मीनिंग क्या है सो so फ्रीडम का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ फ़ियर्स यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम या इकोनॉमिक फ्रीडम इसका मतलब नहीं है राइट right? बहुत जो लिबरेशन है जो फ्रीडम है उसको बहुत नैरो सेंस में डिफाइन नहीं किया गया है इट इज़ अ ब्रॉडर सेंस मतलब हर तरीके के फियर से लिबरेशन होना ही फ्रीडम है राइट right? अब वो फ्रीडम एवरी डायमेंशन चाहे वो फॉरन रूल हो चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो चाहे वो इकोनॉमिक फ्रीडम हो चाहे वो सोशल फ्रीडम हो इवन फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन आप देखेंगे कि एम एन रॉय रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने ओके सोरे रियल लिबरेशन या ट्रू सेंस में फ्रीडम की बात की है इन्होंने जहाँ पर चाहे वो चाहे वो सुपर नेचुरल पावर्स हों चाहे वो डिवाइन पावर्स हों सुपर स्टेशन हों उन सभी से लिबरेशन uh, या फ्रीडम सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द फ्रीडम सो हाउ टू गेट दिस फ्रीडम अगर ये बात की जाए कि ये एम एन रॉय ठीक है आपकी आप फ्रीडम आप का आपका मतलब ये है तो इस तरीके की फ्रीडम जो कम्प्लीट सेंस में लिबरेशन uh, है ट्रू सेंस में लिब्रेशन है हम इसे अचीव कैसे करेंगे सो एकॉर्डिंग टू एम एन रॉय दिस काइंड ऑफ फ्रीडम विल क्रम कम विद द प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक रेशनालिटी तो एम एन रॉय ने इस तरीके की फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो मीन अडॉप्ट किया है ना जो माध्यम है जो तरीका है जो वे है वो क्या है साइंस को अडॉप्ट किया है साइंटिफिक रेशनालिटी सो साइंस एज अ लिबरेटिंग फोर्स कंसीडर किया गया है एम एन रॉय के द्वारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग पीपल रेशनल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या संभावनाएं हैं कि आप साइंटिफिक रेशनैलिटी को प्रमोट करके इस तरीके की फ्रीडम को गेन कर पाएंगे सो ही बिलीव दैट के रीज़न हैज़ अ मटीरियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल ओ रीज़न ओके okay. इसका क्या मतलब है कि जो जो रेशनालिटी है जो काग्नेटिव स्किल्स हैं ह्यूमन बीइंग की राइट काग्नेटिव पावर है जो रेशनालिटी है ये कैसे ओरिजन में आई है जब ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को डेवलप कर रहा था इवॉल्व कर रहा था विद दी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल सिविलाइजेशन जैसे जैसे मूव किया है ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन बीइंग ने अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया है और इस प्रोसेस में अपना जो जो ह्यूमन बीइंग का रीज़न है वो इवॉल्व हुआ है ओके गेटिंग इट सो जो कॉग्नेटिव जो पावर डेवलप हुई है ह्यूमन बींग की जो रेशनैलिटी डेवलप हुई है ये दिखाता है कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चांसेस हैं कि हम ह्यूमन बींग को रेशनल बना सकते हैं मेडिवल टाइम पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था जहाँ पर डिवाइन पावर सुपर सुपरा नेशनल पावर्स जो हैं उन पर बिलीव किया गया सुपरस्टिशंस पे बिलीव किया गया कस्टम्स ट्रेडिशन पे बिलीव किया गया सो एम एन रॉय कहते हैं कि हमें फिर से रेशनल आउटलुक अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमें साइंस को एज़ अ लिबरेटिंग फोर्स अडॉप्ट करना है ताकि हम जो ट्रू फ्रीडम है या रियल लिबरेशन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर चाहे वो रिलीजन से ही क्यों ना हो उसे हम अडॉप्ट कर पाएँ तो इसकी वजह से ही ये जो फोकस किया है इन्होंने कि रेडिकल ह्यूमैनिज्म जो है उसका मेन गोल क्या है एम क्या है हमें फ्रीडम अडॉप्ट करना है ओके दैट दैट्स वो हाई जो रेडिकल ह्यूमनिज़्म है इसे हम फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम कह रहे हैं तो अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि एम एन रॉय के जो जो रेडिकल ह्यूमनिज़म का कंसेप्ट है उसे फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम क्यों कहा जाता है अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि रेडिकल ह्यूमैनिज्म का मेन कंसेप्ट ह्यूमैनिज्म हमने समझ लिया ह्यूमैनिज्म क्या है एक थॉट प्रोसेस है एक सिस्टम ऑफ थॉट है जहाँ पर ह्यूमन बींग को सेंटर पर रखा जाता है रेडिकल ह्यूमैनिज्म एम एन रॉय ने एक ऐसे लिखा था न्यू ह्यूमेज़्म रीज़न रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन जिसमें उन्होंने अपने न्यू ह्यूमनिज़म जिसे रेडिकल ह्यूमेनिज़्म या साइंटिफिक ह्यूमेनिज़म भी बोला जाता है ये सारे टर्म्स एक ही कंसेप्ट के लिए हैं ओके अलग अलग तरीके से इन्हें यूज़ किए गए हैं सो so, अपने इस ऐसे में एम एन रॉय ने अपने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है ओके और उनका मानना है कि जो रेडिकल ये बेसिकली, न्यू ह्यूमैनिज्म अभी मैं इसे बताऊंगी क्यों इसे न्यू ह्यूमैनिज्म कहते हैं ओके सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम द लिबरलिज्म वेदांतिक फिलोसफी देखो इसे जो ये ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट समझ रहे हो आप यहां पर अगर हम रेडिकल की मीनिंग करें तो ह्यूमन बींग को ट्रू सेंस में डिफाइन करना रेडिकल सेंस में डिफाइन करना सो ट्रीट्स ह्यूमन बींग इन अ रेडिकल सेंस दैट्स वाई द ह्यूमेनिज़म का कंसेप्ट जो एम एन रॉय ने दिया है इसे रेडिकल ह्यूमेनिज़म कहते हैं अब ये रेडिकल सेंस क्या है इसे समझें अगर तो रेडिकल सेंस मीन्स ओरिजिनल सेंस ओरिजिनल सेंस मतलब जब आप एक 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 चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसकी क्या आइडेंटिटी होती है जैसे वो सोसाइटी में आता है उसे आइडेंटिटी दे दिया जाता है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या किस कास्ट से बिलोंग करता है किस क्लास से बिलोंग करता है किस क्या उसकी नेशनैलिटी रहेगी इंडियन नेशनैलिटी रहेगी अमेरिकन नेशनैलिटी रहेगी तो ये सारी आइडेंटिटी हमें कहाँ पर मिली है सोसाइटी में आकर मिलती है ना सो so, uh, जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को एम एन रॉय रेडिकल सेंस में कंसीडर करते हैं रेडिकल सेंस का बेसिक मीनिंग होता है ओरिजिनल सेंस मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है ना तो रिलिजन के बेसिस पे ना कास्ट के बेसिस पे ना ही क्लास के बेसिस पे गेटिंग इट सो दिस इज द रेडिकल सेंस और जब ह्यूमैनिज्म को या ह्यूमन बींग को इस सेंस इस ओरिजिनल सेंस में कंसिडर किया जाता है इसे बोलते हैं रेडिकल सेंस गोल क्या है रेडिकल ह्यूमैनिज्म का मीनिंग तो चलो हमें समझ में आ गई कि वाई इट इज वाई द ह्यूमैनिज्म विच हेज़ गिवन बाई द एम एन रॉय उसे रेडिकल क्यों बोला जाता है अब इसका गोल क्या है रेडिकल ह्यूमनिज़्म जो एम एन रॉय ने दिया है हम क्यों इसे ओरिजिनल सेंस में डिस्कस uh, कर रहे हैं हम क्यों इसे ओरिजिनल सेंस में समझ रहे हैं मेन गोल है फ्रीडम को अचीव करना अभी हमने समझा कि एम एन रॉय का फ्रीडम का मतलब क्या है फ्रीडम क्या था ऑल शॉर्ट्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ऑल शॉर्ट्स ऑफ द फियर वो हर एक डायमेंशन में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब नहीं था एम एन रॉय का ये ध्यान रखने की बात है फ्रीडम हर एक एस्पेक्ट पे चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम हो चाहे वो सोशल फ्रीडम हो चाहे वो इकोनॉमिक फ्रीडम हो चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो ओके okay, तो इस तरीके से ये गोल है रेडिकल ह्यूमैनिज्म का जो कंसेप्ट एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसका गोल क्या था फ्रीडम को अचीव करना ट्रू सेंस में ट्रू सेंस में लिबरेशन होनी चाहिए अब ये हम हमने ये भी देखा था कि हम कैसे फ्रीडम अचीव करेंगे तो रेशनालिटी को प्रमोट करके साइंटिफिक रेशनालिटी को प्रमोट करके सो कैपेसिटी ऑफ साइंस में एम एन रॉय का बहुत ज़्यादा फेथ था कि अगर हम रेशनालिटी साइंटिफिक रेशनालिटी को प्रमोट करेंगे तो हम इस तरीके की फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं क्यों क्योंकि साइंस में वो कैपेसिटी है कि इसके थ्रू इंडिविजुअल अपने रीज़न का इस्तेमाल करेगा राइट right? यहाँ पर इंडिविजुअल ब्लाइंडली फेथ नहीं करेगा गेटिंग इट गेटिंग इट सो इस वजह से साइंस में वो कैपेसिटी है जो इंडिविजुअल को लिबरेट कर सकती है इन ट्रू सेंस गॉट इट सो ये हो गया रेडिकल ह्यूमनिज़म आपको छोटे छोटे कंसेप्ट में समझना है फॉर एग्जाम्पल रेडिकल ह्यूमैनिज्म so, क्या है आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए ह्यूमैनिज्म जहाँ पर ह्यूमन बींग को सेंटर पर रखा जाएगा ह्यूमन बींग की प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा रेडिकल क्यों है क्योंकि इंडिविजुअल को ह्यूमन बींग को इसके ओरिजिनल सेंस में समझा जा रहा है ओरिजिनल सेंस मतलब विदाउट एनी आइडेंटिटी ऑफ कास्ट रिलीजन क्लास एंड ऑल ओके एंड इस रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट का मेन उद्देश्य क्या था गोल क्या था हमें ट्रू सेंस में फ्रीडम को अचीव करना सो लिबरेट मैन इन अ ट्रू सेंस और ये किसके हेल्प से हम करेंगे साइंटिफिक रेशनैलिटी को प्रमोट करके गॉट इट तो इतना आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्या है ओके सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यू ह्यूमैनिज्म भाई हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म को न्यू ह्यूमैनिज्म भी बोल रहे हैं ना सो ह्यूमैनिज्म की बेसिक मीनिंग हमने समझ ली न्यू ह्यूमैनिज्म क्यों कह रहे हैं क्योंकि दिस इज़ अ मोर मॉडिफाइड एंड रिफाइंड यू कैन से दैट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिज्म अब ये क्यों रिफाइंड एंड मॉडिफाइड है बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमैनिज्म बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द एजेस एक्सपीरियंस ऑफ द एजेस जहां पर हमने मॉडर्न एजेस का भी कंसेप्ट एक्सेप्ट किया है ओके okay, हमने रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्यों कर रहे हैं ये हमने समझ ही लिया है कि ह्यूमन uh, बींग को रेडिकल सेंस एंड ओरिजिनल सेंस में uh, समझा जा रहा है विदाउट एनी बिकॉज द ह्यूमन बींग इज नॉट एज अ मेंबर ऑफ कास्ट रिलीजन और नेशनैलिटी ऑफ क्लास ये हमने समझ लिया है रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट ओके न्यू ह्यूमैनिज्म क्यों क्योंकि इसने ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट को मोर मॉडिफाइड किया है रिफाइंड किया है कि क्यों ये मॉडिफाइड एंड रिफाइंड क्यों है क्योंकि एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिज्म का जो एक्सपीरियंस ऑफ एजेस है हमने उसको इंक्लूड किया है या एम एन रॉय ने उसे इंक्लूड किया है अपने रेडिकल ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट पे एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द न्यू ह्यूमैनिज्म तो आई होप कि न्यू ह्यूमैनिज्म आपका कंसेप्ट एंड द रेडिकल ह्यूमनिज्म की मीनिंग आपको क्लियर हो गई है अब हम ये देखेंगे कि इस तरीके के कंसेप्ट को ज़रूरत क्यों पड़ी क्यों एक्सप्लेन किया गया व्हाट वॉज द बेसिक फैक्टर्स या बैकग्राउंड जिन्होंने हेल्प किया था एम एन रॉय को रेडिकल ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट को डेवलप करने पे सो हिज़ न्यू एम ह्यूमैनिज्म या यू कैन से दैट द रेडिकल ह्यूमैनिज्म इज़ अगेंस्ट द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ आइडियोलॉजी सो उस समय कई सारी आइडियोलॉजी फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म इवन जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म प्रेजेंट था सो so कई तरीके की आइडियोलॉजी प्रेजेंट थी जिसके साथ एम एन रॉय डिससेटिस्फाइड थे ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि वो जो इंडियन सोसाइटी थी उसके आधार पर वो वर्क नहीं कर रही थी रेलिवेंट नहीं थी और उन आइडियोलॉजीज आएडियो, से जो प्रेवलेंट थी उनसे डिससेटिस्फाइड थे और उनका रिजेक्शन करके उन्होंने अपना नया आइडिया दिया तो वो किस तरीके की आइडियोलॉजीज थी और एम एन रॉय ने उन्हें किस तरीके से रिजेक्ट किया ये अब हम देखेंगे सो सबसे इम्पोर्टेंट है रिजेक्शन ऑफ द मार्क्सिज्म अपने आ, जो मा, जो एम एन रॉय के थॉट हैं उनको कई सारी स्टेजेस में बांटा गया है फर्स्ट स्टेज देन सेकेंड स्टेज देन थर्ड स्टेज क्योंकि उनके थॉट्स में हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है एम एन रॉय के जो थॉट्स हैं ना हमें उन्हें ट्रां हमें उसमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है सो so, अपने थर्ड फेज में जब वो होते हैं तो वहाँ पर वो मार्क्सिस्ट मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट थॉट को क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको इसके पहले पता है कि वो मार्क्सिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कम्युनिस्ट पार्टी को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में इवन वो लेनिन की जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने भी गए थे बट लेनिन के साथ उनके कुछ डिफ्रेंसेज हो गए थे ओके सो थर्ड फेज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि जो एम एन रॉय हैं उन्होंने मार्क्सिस्ट थाट को क्रिटिसाइज़ किया अब क्यों क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि जो मार्क्सिज्म है ये मेन इसका बेस क्या था इकोनॉमिक डिटर्मिनेज़म इकोनॉमिक डिटर्मिनेज़म की बेसिक मीनिंग क्या है जहाँ पर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है क्लासेस का डिवीजन है ये सारा किस आधार पर आ, किस आधार पर बनता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर तो अगर हमें किसी सोसाइटी का एनालिसिस करना है तो आप वहाँ के मोड ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस कर लो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट का नेचर कैसा है क्लासेस का डिवीज़न कैसा है तो जो एम एन रॉय हैं वो इस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को रिजेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन एंड सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल है जो मार्क्स ने दिया है वो मीनिंगलेस है क्यों मीनिंगलेस है क्योंकि एम एन रॉय कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मतलब जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन बींग के जो ह्यूमन कॉन्सियसनेस है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं मतलब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर ह्यूमन बीइंग की लाइफ उसकी कॉन्सियसनेस को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते जबकि मार्क्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डिटरमिनेशन को अगर आपने एनालाइज़ कर लिया तो पूरी सोसाइटी के या ह्यूमन बीइंग के सारे एस्पेक्ट को आप एनालाइज कर पाएंगे ओके okay, बट इस पॉइंट को ही जो एम एन रॉय हैं वो रिजेक्ट करते हैं ओके okay. इस तरीके से ही रिजेक्टेड द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ द स्टेट ओके सो रिजेक्शन ऑफ द मार्क्सिज्म आपको समझ में आया देन अगर हम गांधी जी को देखें तो उन्होंने गांधी जी को भी क्रिटिसाइज़ किया था ही वॉज अगेंस्ट दी गांधी जी एम एन रॉय बिकम्स रेडिकल ह्यूमेनिस्ट वी ऑल नो डैट हमने इसकी मीनिंग समझ ली सो ही वॉज क्रिटिकल ऑफ़ गांधी एंड हीज़ मोरल एंड इस्परिचुअलिस्टिक आइडियाज़ सो गांधी जी के साथ उनके जो डिफरेंसेज थे वो बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि गांधी जी मोरलिटी इस्परिचुअलिटी एंड एंड इस्परिचुअलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे इवन गांधी जी रेलिजन को भी सपोर्ट करते थे क्योंकि रेलिजन को अगर पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तब हमारी जो पॉलिटिक्स है उसे हम स्परिचुअलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि रिलीज़न क्या लाता है एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ लाएगा पॉलिटिक्स पे ये गांधी जी का कहना था सो एम एन रॉय ने इस बात को रिजेक्ट किया कि गांधी जो ये रिलीज़न मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी लाने की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया और गांधी जी की पॉपुलर popular, पॉपुलरिटी क्यों है क्योंकि जो हमारी इंडियन मासेज है द, उनकी इग्नोरेंस की वजह से इंडियन मासेज़ इलिटरेट है उतने शिक्षित नहीं हैं उनकी सोच और समझ नहीं है उतनी उन सो इग्नोरेंस ऑफ द मासेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है गांधी की पॉपुलरिटी की वजह से ओके सो ऐसा नहीं कहते कि गांधी बहुत ही महान आदमी है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हैं सो इग्नोरेंस ऑफ द मासेस इज़ अ बेसिक फैक्टर जो गांधी को इतना पॉपुलर बना रहा है और जिस दिन से हम साइंटिफिक रेशनालिटी को प्रमोट करेंगे जो मासज़ हैं उनको लिटरेट करेंगे ओके okay, तो ये जो गांधी जी की पॉपुलरिटी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि गांधी जी किस तरीके से रेलिजन एंड स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं जबकि एक्चुअल हमें नीड है इंडियन सोसाइटी को मटीरियलिस्टिक फैक्टर की इंडस्ट्रियलाइजेशन की गांधी ऑल्सो गांधी जो डिसेंट्रलाइजेशन या विलेज बेस्ड कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं एम एन रॉय इसे भी क्रिटिसाइज करते हैं एम एन रॉय कहते हैं हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है भाई हमें 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 मटीरियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा तो ये हो गया उनका गांधी जी के रिजेक्शन तो गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थे उससे वो डिससेटिस्फाइड थे जिसकी वजह से उन्होंने रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट दिया निगेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सो एम एन रॉय वॉज द क्रिटिकल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वी ऑल नो दैट what इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पर हम अपने जो जो masses हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं legislature में या पार्लियामेंट पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है representative नहीं होते हैं हम जो 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 masses हैं जो हैं वो डायरेक्ट डिसीज़न लेते हैं सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है मतलब जो 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 सिटीजन्स हैं जो पॉपुलेशन है वो अपने रिप्रजेंटेटिवस के थ्रू रूल करती है सो एम एन रॉय कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं दिस इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी बिकॉज ये पीपल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती ये पार्टी को रिप्रेजेंट करती है फ़ॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है सो फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी हो गई या आप हो गया फॉर एग्जांपल या अदर पार्टीज़ फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो गई बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है सो so इनके कैंडिडेट ही तो बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारती है आप अपने कैंडिडेट को उतारेगी कांग्रेस अपने कैंडिडेट इनमें से ही हम वोट देते हैं और वही कैंडिडेट यहाँ पर पार्लियामेंट में जाते हैं राइट सो एम एन रॉय कहते हैं कि जो ये कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाकर बैठ रहे हैं ना, ये पीपल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जिन्होंने इन्हें वोट दिया है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसके इंटरेस्ट को पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है सो ही सपोर्टेड दार्टी लेस डेमोक्रेसी कि ये पार्टीज नहीं होनी चाहिए पोलिटिकल पार्टीज राइट दिस इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी और उनका मेन रहता है कि हमें जो पीपल इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी और इस इस तरीके से हमें पार्टी लेस डेमोक्रेसी को हमें क्या करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे क्रिटिसिज्म ऑफ वेदांतिक फ़िलोसफी सो जो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि जो वेदांतिक फ़िलासफ़ी है ये मेडिवल कंजर्वेटिव पास्ट ऑफ इंडिया को ग्लोरीफाई करती है ओके okay, सो so इस तरीके से हम अगर हम इस्परिचुअलिजम को प्रमोट करेंगे इंडिया में सो व्हाट अबाउट द मटीरियलिज्म मटीरियलिस्टिक आउटलुक सो ही सेट दैट द सम सेम काइंड ऑफ़ स्परिचुअल थाट वॉज प्रेजेंट इन द यूरोप ड्यूरिंग मेडिवल एजेस बट वहाँ पर क्या आया रेनेसांस आया राइट पुनर्जागरण हुआ और वहाँ पर रेशनालिटी को प्रमोट किया गया साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट किया गया तो ऐसा ही कुछ ज़रूरत है अभी इंडिया में हमें इंडिया में स्परिचुअलिज़म को साइड करके हमें क्या रेशनैलिटी को प्रमोट करना होगा साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करना होगा सो वेदांतिक फिलॉसफी को ये इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि ये फिलॉसफी हमें क्या ग्लोरीफाई करती है स्परिचुअलिज़म को जो मेडोवल के थाट्स थे राइट उसको प्रमोट करती है तो सो वेदांतिक फ़िलोसफी से को भी रिजेक्ट करते हैं एम रॉय ओके अगेंस्ट फासिज़म एम एन रॉय बेसिकली सीज़ दैट कि जो अल्ट्रा नेशनलिज़म है जो जो राष्ट्रवाद

वो किस आधार पर किया है क्योंकि ये आइडियोलॉजीज कहीं पर भी फ्रीडम को ट्रू सेंस में सपोर्ट नहीं कर रही हैं और रेडिकल ह्यूमनिज्म का बेसिक एम हमने देखा था क्या था ट्रू सेंस में फ्रीडम होना ट्रू सेंस में लिबरेशन होना मैन की तो इसीलिए इन सारी जो आइडियोलॉजीज थी प्रेजेंट थी उस समय पर चाहे वो मार्क्सिज्म हो चाहे वो गांधी जी के थॉट हो चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो राइट चाहे वो फासिज़्म हो चाहे वो वैदांतिक फ़िलासफी हो इसको रिजेक्ट किया गया है एम एन रॉय के द्वारा क्योंकि ये ट्रू लिब्रेशन या या ट्रू फॉर्म ऑफ फ्रीडम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं सो वॉट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमनिज़म ओके बेसिक एलिमेंट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रेडिकल ह्यूमनिज़म तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लिबर्टी या फ्रीडम सो so, क्योंकि हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म को क्या कह रहे हैं फिलोसफी ऑफ फ्रीडम ओके सो सो सबसे मोस्ट कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्या होगा लिबर्टी या फ्रीडम अब फ्रीडम की मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में बनाई बता दी थी कि व्हाट इज द फ्रीडम फ्रीडम मतलब फ्रीडम इन एवरी एस्पेक्ट राइट इट इज अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ द फीयर्स और हम इसे अचीव कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रेशनेलिटी ओके सो लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ सो एम एन रॉय कहते हैं कि रेडिकल ह्यूमनिज्म में जो हम फ्रीडम या लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं सो so क्यों इतना लिबर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज अ बेसिक कॉम्पोनेंट जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन लाइफ को डेवलपमेंट कर सकते हैं ओके इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर फूड विदाउट लिबर्टी नो इंडिविजुअल आ सोसाइटी कैन डेवलप फुली ओके सो लिबर्टी के बिना कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सोसाइटी अपने आप को फुली डेवलप नहीं कर सकती सो लिबर्टी इज़ द सुप्रीम वैल्यू राइट इट लीड्स इम टू द ह्यूमन बींग टू सर्च फॉर द नॉलेज ओके सो so, इस तरीके से आपने लिबर्टी का कंसेप्ट देख लिया और यहाँ पर जब ही लिबर्टी की बात आएगी तो एम एन रॉय अपोज करेंगे कोहर्सिव नेचर ऑफ़ द स्टेट क्योंकि कोहर्सिव नेचर ऑफ द स्टेट क्या करेगा इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को कब करेगा मिनिमाइज करेगा और इस तरीके से वो मिनिमलिस्ट स्टेट को स्टेट को क्या करते हैं रिकमेंड करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द रेडिकल ह्यूमनिज्म इज द मोरालिटी या एथिक्स राइट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रेडिकल ह्यूमैनिज्म। मोरालिटी और एथिक्स की बात की जाए तो एम एन रॉय कहते हैं कि लिबर्टी और जो मोरालिटी है ना दीज आर द टू एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द रेडिकल ह्यूमैनिज्म। इंडिविजुअल इज सुप्रीम दैन द नेशन एंड क्लास ओके क्यों जो इंडिविजुअल है वो किसी भी तरीके की आइडेंटिटी से ऊपर है भाई ह्यूमनिज्म का बेसिक मीनिंग है कि हम सेंटर में किसको रखेंगे ह्यूमन बीइंग को ना कि कोई क्लास रिलिजन या किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी यहां से कोई लेना देना नहीं होगा ह्यूमन बीइंग सबसे सुपीरियर है ओके okay, सबसे टॉप प्रायोरिटी है सो इंडिविजुअल इज सुप्रीम देन द नेशन और क्लास क्यों क्योंकि ह्यूमन बींग इज अ रेशनल मैन

कि ह्यूमन बींग में जो रेशनलिटी है जो रीज़न है वो क्यों है क्योंकि ह्यूमन बींग ने जिस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए आ, सर, अपनी सर्वाइवल के लिए या यू कैन से डेट अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया है सो so उस पूरी प्रोसेस में उसकी कॉग्निटिव पावर्स डेवलप हुई हैं उसकी रेशनल रीजन डेवलप हुआ है ओके okay, सो so, जो जो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहिए साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करना चाहिए क्यों क्योंकि साइंस में वो कैपेसिटी है जो ह्यूमन बीइंग को चेंज कर सकती है ट्रांसफॉर्म कर सकती है बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो साइंस है दैट विल इनेबल्स हिम टू क्वेश्चन इंक्वायरी एंड नॉट बिलीव ब्लाइंडली भाई जब आपके पास रीज़न नहीं होगा आपके पास साइंटिफिक आउटलुक नहीं होगा तो आप क्या करोगे आपसे जो बोला जाएगा आप ब्लाइंडली उसे फॉलो करोगे क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करोगे कोई इंक्वायरी नहीं करोगे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे लेकिन अगर आपका साइंटिफिक आउटलुक है साइंटिफिक टेम्परामेंट है राइट आप एक रेशनल पर्सन है तो आप कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले या बिलीव करने से पहले एक बार क्रॉस क्वेश्चन करोगे राइट एक बार इंक्वायरी करोगे आप ब्लाइंडली फेथ नहीं करोगे आप अपना रिसर्च करोगे कि भाई क्या वाकई ऐसी चीज़ होता है क्या ओके सो ही नेवर एक्सेप्टेड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन ही रिफ्यूटेड बेसिकली द कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी ओके सो ही बिलीव दैट कि वी कैन चेंज द सोसाइटी थ्रू द साइंटिफिक टूल्स ओके सो देो ही सपोर्टेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली ही वाज इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गेटिंग गांधी जी इसके जस्ट खिलाफ थे तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मीनिंग आपको समझ में आया दैट इज द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कुछ और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट हम समझ लेते हैं जैसे डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट सो एम एन रॉय वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्योंकि वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं थी क्योंकि वो पर्टिकुलर part, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना कि पीपल्स को राइट right, इस तरीके से उन्होंने uh, uh, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दी गवर्नमेंट का पार्टी लेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया ओके नेक्स्ट प्लूरल सोसाइटी सो सोसाइटी शुड नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस ओके वो क्या कहते हैं पीसफुल को ऑफ द ऑल क्लासेज या ऑल कास्ट या ऑल रिलीजन को जो पीपल्स हैं उनका पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए आइडेंटिटी इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए सो नेशनलिज्म इज ऑल्सो मोनोलिथिक वे टू डिफाइन सोसाइटी सो ही सपोर्टेड अ प्रेशर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन इन द सोसाइटी और इस तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हो प्लूरल सोसाइटी का मतलब समझ में आया कि मल्टीपल ग्रुप्स या मल्टीपल जो एसोसिएशंस है सोसाइटी में वो एक साथ प्रेजेंट है पार्टी लेस डेमोक्रेसी को सपोर्टर है इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस uh, कर लिया है क्यों क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपल्स के इंटरेस्ट को ना रिप्रेजेंट करके उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और सो दैट इज़ नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ओके सो ये हो गया आपके वेरियस कॉम्पोनेंट्स अब रेडिकल ह्यूमेनिज़म जो हमने अभी समझा एम एन रॉय का उसमें इसको उसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया है सो रॉयस फिलोसफी ऑफ ह्यूमैनिज्म वॉज हैवीली क्रिटिसाइज्ड ऑन दी वेरियस ग्राउंड्स ओके सो बहुत सारे लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था जिस तरीके से एम एन रॉय ने रिलीजन को रिजेक्ट किया है क्योंकि एम एन रॉय मानते हैं कि जो रिलीजियस है वो एज हिंड्रेंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ़ द फ्रीडम बहुत बड़ी रुकावट है फ्रीडम के डेवलपमेंट में फ्रीडम का क्या मतलब था फ्रीडम फ्रॉम द ऑल शॉर्ट ऑफ द फियर और एम एन रॉय कहते हैं कि जो रिलीजन है ना ये फियर क्रिएट करता है चाहे वो डिवाइन पावर का फियर क्रिएट करे या या यू कैन से दैट नेचुरल पावर्स का फियर क्रिएट करता है ना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान ऐसा करेगा आपके साथ ये ये होगा ऐसे तो इस तरीके का फियर क्रिएट करता है रिलीजन तो अगर तो रिलीजन क्या है एक तरीके का बहुत बड़ा रुकावट है फ्रीडम को अचीव करने में और रेडिकल ह्यूमनिज़म का मेन गोल क्या है फ्रीडम को अचीव करना तो वो रिलीजन को रिजेक्ट करेंगे ना क्योंकि रिलीजन एक रुकावट बन रहा है फ्रीडम को अचीव करने पे तो क्रिटिक जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये ये अपने आप में इनकम्प्लीट है इर्रेशनल है जो रिलीजन है इट इज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्रिटिक्स कहते हैं कि जो 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 रिलीजन है वो ह्यूमन बींग के कल्चरल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है तो ये एक रुकावट कैसे हो सकता है फ्रीडम में ओके okay, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एम एन रॉय को क्रिटिसाइज़ किया गया है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 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 एम एन रॉय ने जिस तरीके से रेशनैलिटी को प्रमोट किया है साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट किया है उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि एम एन रॉय ने कोई प्रॉपर लॉजिकल या एडिक्वेट रीज़न नहीं दिए हैं एज टू हाउ टू लिविंग बॉडीज़ आर क्रिएटेड आउट ऑफ द मैटर ओके okay. सो so, जिस तरीके से स्परिचुअलिटी को रिजेक्ट किया रिलीजन को रिजेक्ट किया इस आधार पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है एम एन रॉय को सो so, ये था क्रिटिकल एक क्रिटिकल इवेल्यूशन तो आई होप कि आपको एम एन रॉय का जो रेडिकल ह्यूमेनिजम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा गाइस एंड मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में मैं पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकूँ जिससे कि आप एक कम्प्लीट आंसर लिख सकें इस टॉपिक पर ध्यान रखना है आपको जब भी आप एम एन रॉय के रेडिकल ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट को समझ रहे हो इसको इसको पीसेज में ब्रेक करो आपको ह्यूमैनिज्म की मीनिंग पता होनी चाहिए ह्यूमैनिज्म क्या है बेसिक फिलॉसफी दैट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग ओके okay? एंड रेडिकल क्या है जहाँ पर ह्यूमन बींग को ट्रू सेंस में कंसिडर किया जाता है ओरिजिनल सेंस में मतलब विदाउट एनी आइडेंटिटी चाहे वो सोशल आइडेंटिटी हो चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो चाहे वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी हो ओके और रेडिकल ह्यूमैनिज्म को हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम क्योंकि रेडिकल ह्यूमैनिज्म का मेन गोल क्या है फ्रीडम को अचीव करना ओके okay? और फ्रीडम को हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि फ्रीडम क्या है इट इज़ अ रियल लिबरेशन फ्रॉम ऑल शॉर्ट्स ऑफ द फ़ियर और हम ये कैसे गेन करेंगे विद दी हेल्प ऑफ प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक रेशनैलिटी सो गॉट इट कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा गाइस एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई चैनल टू सपोर्ट मी एंड सी यून द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ब बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग